के एक दिवसीय दौरे के बाद कुमाऊं में पर्यटन को एक नई उड़ान मिली है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी नेता जो है पीएम की तारीफ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ की, तो उसके बाद लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी भी पीएम मोदी और सीएम धामी के उत्तराखंड दौरे का आभार व्यक्त कर रही हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि किसी भी पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ ही की जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व ही ऐसा है कि उनकी तारीफ करने से कोई बचेगा नहीं। खासतौर पर मैं दोनों विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्य, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी जा रही है, मानस खंड के पूरे क्षेत्र का आगे विकास की एक किरण जगी है, उसके लिए दोनों विधायकों ने जो समर्थन किया है वो विकास के लिए समर्थन है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, एक अच्छे को अच्छा कहने का सामर्थ्य एक कांग्रेस के विधायकों ने जुटाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे अभी शुरुआत है, आगे देखे होता है क्या। शुगर प्री